हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पीपीएच यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था एपीएच यानी एंटी पार्टम हेमरेज एंटी पार्टम हेमरेज क्या होता कि डिलेवरी से पहले लेबर स्टार्ट होने से पहले अगर जो ब्लीडिंग हो रही है अट्ठाईस वीक से बाद में और डिलीवरी से पहले जो ब्लीडिंग हो रही उसको तो बोलते हैं एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है कि बेबी की डिलेवरी होने से लेकर जो परप्यूरियम पीरियड है आफ्टर डिलेवरी का जो पीरियड है पोस्ट पार्टम पीरियड इस पीरियड में जो ब्लीडिंग हो रही है ब्लड का लॉस हो रहा है उसको बोलते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज जैसा यहाँ पे लिखा है मैंने द लॉस ऑफ ब्लड फॉलोइंग डिलेवरी ऑफ बेबी अप टू द एंड ऑफ़ परप्यूरियम जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लड का लॉस हो रहा है ब्लीडिंग हो रही है कब बेबी की डिलीवरी होने से लेकर परप्यूरियम या जो पोस्टमार्टम पीरियड है उसके एंड होने तक इस जो ये समय काल है या पीरियड है इसमें जो ब्लीडिंग हो रही है उसको बोलते हैं पी पी एच ओके नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इज़ मोर देन फाइव हंड्रेड एम एल नॉर्मल जब डिलीवरी होती है तो ब्लड लॉस होता है बट 500 सौ तक जो ब्लड लॉस होता है ये नॉर्मल है पर इससे अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं पी ओके तो कितने अमाउंट से ज़्यादा होनी चाहिए 500 सौ से ज़्यादा नेक्स्ट वन है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस पी पी एच कैन बी माइनर मेजर एंड सीवियर अब जो 500 सौ से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है बट जरूरी नहीं है कि एक ही अमाउंट में हो अमाउंट वेरी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में ब्लीडिंग हो सकती है तो जो अमाउंट है ब्लड लॉस का उसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है तो जो माइनर पीपीएच पी पी है उसमें कितनी ब्लीडिंग होती है लेस देन एक लीटर वन लीटर एक लीटर से कम ब्लीडिंग हो तो माइनर मेजर में कितनी होगी मोर देन वन लीटर एक लीटर से ज़्यादा सीवियर में कितनी होगी मोर देन टू लीटर यानी दो लीटर से ज़्यादा ओके नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद इसके टाइप्स तो जो पीपीएच होता है ये दो टाइप का होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी पीपीएच क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो चौबीस घंटे होते हैं डिलीवरी के बाद जो ट्वेंटी फोर हावर्स होते हैं उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको तो बोलते हैं प्राइमरी पीपीएच सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है कि चौबीस घंटे हो जाने के बाद जब डिलीवरी होने के बाद जो चौबीस घंटे हुए उसके बाद में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच समझ गए ये बात होगा इसके टाइप्स की अब है इसके बाद इसकी कोजेज तो फर्स्ट वन इसकी कोज है एटोनिक यूट्रस यानी यूट्रस में टोन प्रेजेंट नहीं होती है यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है ये मोस्ट कॉमन कोज होती है पीपीएच की अस्सी परसेंट जो केस होते हैं ना पोस्ट पार्टम हेमरेज के उसमें कौन सी कोज़ होती है एटोनिक यूट्रस अब जो एटोनिक यूट्रस की कंडीशन है उसकी भी वजह होती है कि, कि किस वजह से जो है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है तो कौन कौन सी वजह है फर्स्ट है ग्रैंड मल्टीपेरा यानी कोई मदर दो किसी किसी मतलब सॉरी किसी पेशेंट की या किसी लेडी की तीसरी या चौथी प्रेगनेंसी या डिलीवरी है तो उनमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वन माल न्यूट्रिशन एनीमिया की कंडीशन है यानी किसी मदर में माल न्यूट्रिशन है या एनीमिया है ब्लड की कमी है तो उनमें भी पीपीएच हो सकता है नेक्स्ट वन है एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज अगर किसी मदर में हिस्ट्री प्रेजेंट है एंटीपाटम हेमरेज की तो उनमें भी पी हो सकता है नेक्स्ट वन है प्रोलोंग लेबर अगर लेबर लंबे टाइम तक रहा ठीक है जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है लेबर की उससे ज़्यादा टाइम तक अगर लेबर चल रहा है तो उसमें भी जो है यूट्रस की एटो आ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और उस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है नेक्स्ट बने माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस अगर यूट्रस में किसी तरह का डिफेक्ट प्रेजेंट है तो उस वजह से भी क्या होगा यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और ब्लीडिंग होगी नेक्स्ट वन है प्लेसेंटल डिफेक्ट्स। अगर प्लेसेंटा में किसी तरह के डिफेक्ट प्रेजेंट है शॉर्ट प्लेसेंटा है लॉन्ग प्लेसेंटा है ओके okay? तो उस वजह से क्या होगा यूट्रस प्रोपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और ब्लीडिंग हो जाएगी तो ये बात फर्स्ट कोर्स हो गई एटोनिक यूट्रस और ये वजह हो गई जिस वजह से यूट्रस में टोन प्रेजेंट नहीं होती है ओके नेक्स्ट है इसके बाद कोर्ज ट्रोमेटिक यूट्रस यानी अगर यूट्रस में किसी तरह की इंजरी हो जाए और उस वजह से अगर ब्लीडिंग हो तो वो होगा ट्रोमेटिक यूट्रस तो ट्रोमा कैसे हो सकता है यूट्रस में लाइक जो, जो एपीसीोटोमी की जाती है एपीसीटोमी क्यों करते हैं पेरिनियम एरिया में ताकि जो प्रेशर पड़ता है वो कम हो सके ओके तो उस अगर जो एपीसीटोमी कर रहे हैं जो वहाँ पे वुंड बन रहा है उस वजह से भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है ओके ये हो गए ट्रोमेटिक कोस नेक्स्ट कोज है रिटेन टिश्यू जो प्लेसेंटा है अगर उसके कुछ पार्ट्स अंदर ही रिटेन रह जाए डिलीवरी के बाद में भी तो उस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है हेमरेज हो सकता है नेक्स्ट कोज है कोगुलेशन डिसऑर्डर्स अगर किसी लेडी में कोगुलेशन डिसऑर्डर्स है यानी क्लोट वगैरह नहीं बन रहे हैं या जो ब्लीडिंग नहीं रुक रही है कोगुलेशन की प्रॉब्लम है तो उनमें भी ब्लीडिंग होने के चांस ज़्यादा होते हैं ओके सो ये बात हो गई इसकी कोजेस की नेक्स्ट वन है इसके बाद इसके डायग्नोसिस तो सबसे पहले अपन इसमें करेंगे यूट्राइन एग्जामिनेशन यूट्रस का एग्जामिनेशन करेंगे तो जो ट्रोमेटिक पीपीएच होगा अगर पोस्टपार्टम हेमरेज ट्रोमा की वजह से हो रहा है तो उसमें जो यूट्रस होगा उसमें कॉन्ट्रेक्शन प्रजेंट होंगे कॉन्ट्रेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी बट इंजरी की वजह से ब्लीडिंग होगी ओके नेक्स्ट है एटोनिक पीपीएच अगर एटोनिक पीपीएच यानी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं यूट्रस में तो उस टाइम क्या देखने को मिलेगा कि यूट्रस जो होगा वो फ्लेबी रहेगा ओके फ्लेबी टाइप का यूट्रस रहेगा सेकेंड जब यूट्रस पे मसाज करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा ओके तो यूट्राइन एग्जामिनेशन में दो डिफरेंस रहेंगे ट्रोमेटिक पीपीएच में तो क्या रहेगा तो यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन प्रॉपरली या वेल रहेंगे बट एटोनिक पीपीएच में क्या होगा कि यूट्रस फ्लेबी टाइप रहेगा और हार्ड रहेगा मसाज करने पे ओके तो ये तो हो गया यूट्राइन एग्जामिनेशन सेकेंड वन है वेजाइनल एग्जामिनेशन तो जब वेज़ाइना का एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें ब्लीडिंग हमको शो होगी एक्सेसिव ब्लीडिंग प्रेजेंट रहेगी दूसरा अब हमें क्या करना है कि जो ब्लीडिंग हो रही है उसका एक तो अमाउंट नोट करना है एग्जैक्ट अमाउंट हम पता नहीं लगा सकते हैं बट जो वहाँ पे क्लोथ्स वगैरह गंदे हो रहे हैं ठीक है जो बेड शीट उस पर जो ब्लड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसका अमाउंट का पता लगा सकते हैं एक गैस कर सकते हैं दूसरा ब्लीडिंग का कलर भी यहाँ पे देखना है ओके तो ये वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है और लास्ट वन है अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी किस लिए करनी है कि अगर को अंदर कोई प्लेसेंटा के पार्ट्स अंदर प्रेजेंट है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे ओके तो ये बात हो गई डायग्नोसिस की लास्ट वन इसके बाद अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगा पीपीएच का इसमें दो पॉइंट्स होंगे पहला होगा सपोर्टिव थेरेपी और दूसरा होगा मेन मैनेजमेंट या एक्टिव मैनेजमेंट ओके तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके सपोर्टिव थेरेपी की तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एसेस द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस जो ब्लड लॉस हो रहा है उसका अमाउंट एसेस करना है दूसरा प्रोवाइड एश्योरेंस टू मदर जो मदर है जो लेडी है जो सफ़र कर रही है उनको एश्योरेंस देना है आश्वासन देना है ताकि वो एनजाइटी ना फील करे और थोड़ा रिलैक्स रहे ओके नेक्स्ट है प्रोवाइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ नेसेसरी अगर ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस हो रहा है तो ऐसे टाइम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना जरूरी है नेक्स्ट वन है एस वेजाइना फॉर पासज ऑफ एनी क्लॉट्स और बिट्स ऑफ टिश्यूज़ और जो ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम वेजाइना को भी ऐसेस करते रहना है क्यों करना है कि किसी तरह के क्लोथ्स तो नहीं प्रेजेंट है कोई प्लेसेंटा के टिश्यूज़ के टुकड़े वगैरह पार्ट्स वगैरह तो नहीं आ रहे हैं इनको एसेस करना है नेक्स्ट वन है प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स फ़ॉर एनी इंफेक्शंस यहाँ पे प्रोफाइल यानी इंफेक्शन इन्फेक्शन होने से पहले ही यहाँ पे एंटीबायोटिक्स दे देनी है क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे ओके इसलिए एंटीबायोटिक्स पहले ही देनी है तो ये तो बात हो गई सपोर्टिव थेरेपी की अब बात करते हैं इसके एक्टिव मैनेजमेंट की तो जो इसका एक्टिव ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि कोस क्या है वजह क्या है ब्लड लॉस की ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है उस पर डिपेंड करेगा इसका एक्टिव ट्रीटमेंट ओके तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एटोनिक यूट्रस की अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है उस वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसका क्या मैनेजमेंट होगा फर्स्ट पॉइंट है इसमें मसाज द यूट्रस टू मेक इट हार्ड एंड एक्सप्रेस द ब्लड क्लोथ्स सबसे पहले यूट्रस को मसाज करना है ओके okay? क्यों करना है ताकि अंदर से कोई ब्लड क्लोथ्स प्रेजेंट है तो वो बाहर आ सके ओके okay? दूसरा आईवी ऑक्सीटोसिन ड्रिप इज स्टार्टेड इसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन ड्रिप भी स्टार्ट कर देनी है क्यों ताकि कॉन्ट्रेक्शन्स को स्टार्ट किया जा सके ओके नेक्स्ट वन है एग्जामिन द एक्सपेल्ड प्लेसेंटा एंड मेम्बरेंस फॉर एविडेंस ऑफ मिसिंग बिट्स ऑफ टिश्यूज़ जो प्लेसेंटा एक्सपेल हो चुकी है बाहर आ चुकी है और जो मेम्बरेंस उसकी प्रेजेंट है बाहर उनको एग्जामिन करना अच्छे से देखना है ताकि कोई पार्ट्स अंदर रह तो नहीं गए हैं उनका पता लगाने के लिए ओके नेक्स्ट पॉइंट है बाई मैनुअल कंप्रेशन अब यहाँ पर जो टोनी सिटी प्रेजेंट नहीं है यूट्रस कम कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है उसके लिए क्या करना है बाई मैनुअल कंप्रेशन करना है अब इस प्रोसीजर में करते हैं क्या है, कि जो एक हाथ है उसको तो कंप्लीटली इंसर्ट करते हैं कहाँ यूट्रस के अंदर ठीक है और दूसरा हाथ जो है उसको रखते हैं बाहर की तरफ कहाँ यूट्रस के ऊपर ठीक है और इस तरह से यूट्रस को कंप्रेस किया जाता है इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ क्या होता है कि देखिए डायग्राम में आप देख रहे हैं बाई मैनुअल कंप्रेशन का ये डायग्राम है इसमें देखिए जो एक हाथ है उसको तो कहाँ इंसर्ट कर लिया कम्प्लीटली अंदर की तरफ यूट्रस के अंदर और एक फिस्ट बना ली यानी मुट्ठी बना ली यहाँ पे और इसको क्लोज कर लिया हाथ को दूसरा हाथ कहाँ रखा यूट्रस के ऊपर की तरफ अब क्या करना है इन दोनों हाथ से यूट्रस को कंप्रेस करना है जो डॉक्टर होगा वो क्या करेगा इन दोनों हाथ से क्या करेगा यूट्रस को कंप्रेस करेगा ओके तो कंप्रेशन से क्या होगा कि यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे ओके तो ये प्रोसीजर क्यों किया जाता है यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन को स्टार्ट करने के लिए और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं बाई कंप्रेशन ओके तो ये बात हो गई बाई मैनुअल कंप्रेशन की नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इफ यूट्रस फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट्स अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स आल्सो यूज अगर मान लो बाई मैनुअल कंप्रेशन करने के बाद भी अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर इसके कुछ अल्टरनेटिवज़ हैं जो यूज़ कर सकते हैं इसमें फर्स्ट वन है यूटराइन टेम्पोनेट अब ये क्या होता है यूटराइन टेम्पोनेट इसमें क्या करते हैं कि यूट्रस के अंदर गोज होती है ठीक है गोज पीस अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं उसमें भर देते हैं उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं यूट्रस को वेजाइना को ओके ऐसा क्यों करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए ओके यूट्राइन टेम्पोनेट में क्या करते हैं जो गोच पीस होते हैं उनको यूट्रस के अंदर भर दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके नेक्स्ट वन है सर्जरी अब अगर यूट्राइन टेम्पोनेट से भी काम नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे यूट्रस और ओवेरी की जो आर्टरीज़ है उनको लाइगेट कर दिया जाता है ओके बांध दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग कम हो ओके लास्ट वन यहाँ पे जो अल्टरनेटिव है वो है हिस्ट्रेक्टमी। अब ये जो जितने भी प्रोसीजर की अगर ये कोई भी काम नहीं आ रहा है तो सबसे लास्ट में ऑप्शन बचता है हिस्ट्रेक्टमी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो क्या करेंगे जो यूट्रस है उसको रिमूव करेंगे पार्शियली या कम्प्लीटली ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके ओके तो ये टॉपिक जो है पोस्टमार्टम हेमरेज का कंप्लीट हो गया अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए थैंक यू